दोस्तों सब्सक्राइब करें एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। नमस्ते इंडिया, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सट्रीम मोटो एडवेंचर और मैं हूं दीपक गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू प्लान ए मोटरसाइकिल राइड टू विंटर स्पीति और आप बर्फ पर कैसे बाइक चला सकते हैं। तो दोस्तों बर्फ पर बाइक चलाना थोड़ा सा मुश्किल काम है क्योंकि जब आप बर्फ पर बाइक चलाते हैं तो आपकी जो बाइक है वो फिसलती हुई आगे जाती है और आपका उस पर कंट्रोल नहीं रहता। और आज इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं 3-4 बार ऑलरेडी विंटर स्पीति राइड कर चुका हूँ और इसी साल भी हमने एक विंटर स्पीति राइड करी थी जो कि हमने फरवरी में की थी। वो जो सीरीज थी उसके जो व्लॉग्स थे बहुत फेमस हुए थे और उनके कार्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, सारे वीडियोज़ यहाँ पर हैं, आप ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा उन वीडियोस को देखने में। बहुत ही एडवेंचरस सीरीज थी, पूरा वाइट ही वाइट सीन था जब हम फरवरी में गए थे। हम हालांकि काजा तक पहुंचने में सफल रहे थे, काफ़ी कठिनाइयों का सामना हमने करना पड़ा था काजा तक पहुंचने के लिए। अगले दिन हम रांगरिक तक से भी आगे गए थे। तो दोस्तों काफ़ी एडवेंचरस रहता है जब आप बर्फ़ पर बाइक चलाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी सारे रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें जानने के लिए कि एक विंटर स्पीति राइड कैसे प्लान करें, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी DGTheWanderer, यहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी सारे फोटोग्राफ्स मैंने ऐड किए हुए हैं और यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम स्टोरीज भी अपडेट करता रहता हूँ। तो DGTheWanderer को फॉलो ज़रूर करिए। और अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, विंटर राइड पर। तो दोस्तों काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, काफ़ी सारे व्यूअर्स थे, सब्सक्राइबर्स थे, मे से क्वेरीज कर रहे थे, क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप एक वीडियो बनाइए विंटर राइड पर कि कैसे इसके लिए प्रिपेयर करा जाए, कैसे बर्फ़ पर मोटरसाइकिल चलाई जाए। तो आज का ये जो वीडियो है हम इसमें पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक विंटर राइड के लिए प्रिपरेशंस कैसे होनी चाहिए और मोटरसाइकिल बर्फ़ पर कैसे चलाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अपने आप को विंटर राइड के लिए मेंटली प्रिपेयर करने की और फिज़िकली प्रिपेयर करने की। तो सबसे पहले आप अपनी बाइक जब बर्फ़ पर चलाते हैं तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बर्फ़ पर बाइक चलाना, वो क्योंकि वो स्किड करती है और ऐसी कंडीशंस में आपका मेंटली पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। हो सकता है आप बाइक चलाते हुए बर्फ़ पर एक बार गिरे, दो बार गिरे, तीन बार गिरे और कई बार भी गिर सकते हैं। तो गिर कर उठ कर चलने वाले को ही सिकंदर माना जाता है। तो ऐसी कंडीशंस में भी पॉजिटिव बने रहिए, कभी भी डीमोटिवेट ना होए और हौसला बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए। और अब हम आते हैं फिजिकल फिटनेस में, जो कि ऐसी कंडीशंस में बहुत मायने रखती है क्योंकि जो स्पीति का टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन जाता है और जो वहाँ की कंडीशंस हैं वो बहुत ही हार्श होती हैं विंटर्स में। तो आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत मायने रखती है क्योंकि ऐसी कंडीशंस को फेस करने के लिए आपका फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये तो थी फिजिकल फिटनेस और मेंटली प्रिपेयर करना, और अब हम बात करते हैं मोटरसाइकिल को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं विंटर राइड के लिए जो कि स्पीति की हो सकती है। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि आप अपनी मोटरसाइकिल को कैसे प्रिपेयर करेंगे एक स्नो स्पीति राइड के लिए और अपनी मोटरसाइकिल या फिर बाइक को कैसे दौड़ा और चला सकते हैं आसानी से बर्फ़ पर। मैं थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प होगी बर्फ़ पर और अपनी मोटरसाइकिल को प्रिपेयर करने के लिए स्नो स्पीति राइड पर। तो सबसे पहला ट्रिक है दोस्तों कि आप अपनी बाइक का जो स्टॉक टायर है उसको चेंज करा के लेके जाइए किसी अच्छे टायर से जिसमें कि ग्रूव्स अच्छे हों और जो ट्रेड्स होते हैं उनके वो काफ़ी अच्छे हों, वो जो कि आपकी मदद करेंगे ग्रिप करने में। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एक वीडियो मैंने डाला हुआ है टायर्स पर जिसमें कि मैंने बताया हुआ है कि कौन से टायर्स आपके लिए सही रहेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर जो कि है बैटरी। बैटरी एक काफ़ी बड़ा इशू है स्पीति में क्योंकि स्पीति का जो टेम्परेचर होता है रात का वो -28 डिग्री तक भी चला जाता है और अगर आपकी बैटरी एक साल से ज़्यादा पुरानी है तो हो सकता है कि आपकी बैटरी पूरी तरीके से सुबह तक ड्रेन हो जाए और सुबह आपकी मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हो। तो आप कोशिश करिए कि आप अपनी
अपनी जो बैटरी है वो चेंज करके लेके जाइए। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर, जो कि है क्लच प्लेट्स। क्लच प्लेट्स दोस्तों अगर आपकी ज़्यादा यूज़ हो चुकी हैं तो उनको भी आप चेंज करा के लेके जाइए, क्योंकि स्नो में काफ़ी ज़्यादा क्लच कई बार यूज़ हो जाता है। अब हम आते हैं चौथे पॉइंट पर, जो कि है आप अपनी जो बाइक है उसको अच्छे तरीके से सर्विस करा के लेके जाइए किसी भी सर्विस सेंटर से, क्योंकि सर्विस सेंटर की जो क्वालिटी होती है सर्विस की वो काफ़ी अच्छी होती है। और थोड़े से स्पेयर पार्ट्स भी आप जो मेन स्पेयर पार्ट्स हैं वो कैरी अपने साथ करें, और थोड़ा बहुत रिपेयर वर्क भी सीख कर ज़रूर जाएं, क्योंकि स्पीति में मैकेनिक विंटर्स में अवेलेबल नहीं होता। तो ये चार पॉइंट्स थे जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसके बाद हम चलते हैं कि आप अपनी मोटरसाइकिल को आसानी से कैसे बर्फ पर दौड़ा सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं आप बर्फ़ पर आसानी से मोटरसाइकिल राइड कैसे कर सकते हैं। वैसे तो बर्फ़ पर राइड करना आसान काम बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखकर अगर आप राइड करेंगे बर्फ़ पर तो आपको काफ़ी आसानी होगी राइड करने में। तो दोस्तों इसको भी मैं पॉइंट वाइज आपको बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट है दोस्तों, जो आपकी फ्रंट ब्रेक्स है मोटरसाइकिल की वो आपको बिल्कुल भी नहीं लगानी है। जो कि आपकी फ्रंट ब्रेक्स हैं अगर आपने लगाई तो आप हो सकते हैं लंबा लेट, और अगर आप लंबा लेट हो गए तो आपको लग सकती है चोट। और दोस्तों अगर आपको चोट लग गई तो ये काम खराब करने वाली बात हो जाती है, और मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि विदाउट राइडिंग गियर्स आप बिल्कुल भी राइड ना करें। राइडिंग गियर्स आपका एक सुरक्षा कवच की तरह होता है जो आपकी लाइफ को सेव करता है। तो राइडिंग गियर्स इज मस्ट फॉर एवरी राइडर। और अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो कि है जो दूसरे राइडर्स हैं उनसे एक सेफ डिस्टेंस बनाकर ही राइड करें, जिससे कि अगर सडन कोई ब्रेकिंग होती है या स्लिप होते हैं आप तो उनमें जाकर ना भिड़े और दोनों को कोई इंजरी ना हो। तीसरे पॉइंट में आते हैं दोस्तों कि आप जो अपने शूज़ हैं वो एक अच्छे ग्रिपी शूज़ लें, जिससे कि आप अच्छे तरीके से ब्रेकिंग कर पाए, क्योंकि आपकी जो ब्रेकिंग होती है वो पैरों से भी काफ़ी ज़्यादा होती है स्नो में जब आप राइड करते हैं। तो ये तो था तीसरा पॉइंट, और अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर, जो कि है आप अपनी जो स्पीड है उसको बरकरार रखें 15, 20 या फिर 25 में। अगर आपने स्पीड इससे ज़्यादा रखी तो आप अपनी बाइक पर अपना कंट्रोल खो सकते हैं और आप एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। तो स्नो पर राइड करते हुए सावधानी ज़रूर बरतें। और अब हम बात करते हैं फूड और स्टे की। तो दोस्तों इस एंटायर रूट में फूड हर जगह इजीली अवेलेबल है, तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन दिक्कत अगर आ सकती है तो वो होटल्स और होम स्टेज को लेकर है। जब आप रेकोंगपियो पहुंचते हैं तो रेकोंगपियो में ज़्यादातर जो होटल्स हैं वो तो खुले होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो पानी होता है, जो रनिंग वाटर है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप रेकोंगपियो से आगे जाते हैं टाबो या फिर काजा पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी आपको रनिंग वाटर नहीं मिलेगा, और वहाँ पर सिर्फ आपको होम स्टेज ही मिलेंगे। कोई भी होटल आपको खुला नहीं मिलेगा, क्योंकि जो होटल मालिक होते हैं वहाँ पर अपना जो भी होटल होता है वो सारे के सारे बंद कर कर चले जाते हैं बिकॉज ऑफ सीज़न। लेकिन होम स्टे में भी रहना एक अपना ही अलग मज़ा है, अपनी अलग फीलिंग है, तो होम स्टे में रहकर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। सो फ्रेंड्स अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के आखिरी पड़ाव पर, और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपको क्या क्या सामान कैरी करने की ज़रूरत है विंटर स्पीति राइड के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो लद्दाख की जो वीडियो थी उसमें भी मैंने एक लिस्ट डाली हुई है, और ये जो विंटर स्पीति की लिस्ट है ये भी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम टू सेम है। जस्ट मैंने थोड़े से एडिशन किए हैं, जिसमें कि आपको थोड़े से वार्मर्स और थर्मस एक्स्ट्रा परचेज करने पड़ेंगे, और उसके अलावा एक -20 डिग्री ग्लव्स आते हैं जो कि मैं अपनी हर विंटर राइड में यूज़ करता हूँ। नॉन ब्रांडेड है, लोकल है वो, लेकिन काफ़ी मदद करते हैं वो विंटर राइड में, और उनको मैंने परचेज किया था करोल बाग चोपड़ा से, लेकिन आपको किसी भी लोकल शॉप पर इजीली मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी इसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं विंटर स्पीति के लिए, आप कैसे बाइक चला सकते हैं स्नो में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ एंड जय हिंद।